फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में संक्रमण था, लेकिन सेकंड वेव में उससे भी कई गुना, लगभग 30 से 50 गुना संक्रमण था। अचानक एकाएक एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई, ऑक्सीजन की डिमांड हुई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड्स की डिमांड हुई। लेकिन आज उसको भी नियंत्रित किया गया। पहली बार आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, उद्योगों में जाने वाली ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में बदल करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया और इसके बाद हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। अगर चित्रकूट मंडल को ही हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले से कुछ ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं, लेकिन 9 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कहीं सिविल वर्क प्रारंभ हो चुका है, उन पर कार्य की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। आज पॉजिटिविटी 2% के आसपास है, रिकवरी हमारी 93% से अधिक है। टेस्ट की क्षमता बढ़ाई हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मैंने हर जनपद से कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए समय पे कोविड पॉजिटिव को ट्रेस करना और उसका टेस्ट कराना। निगरानी समितियों को हम लोगों ने गांव-गांव में भेजा, आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट करती है। मेडिसिन किट हम पहले चरण में निगरानी समिति के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। उसका परिणाम था कि जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे गांव की स्थिति अत्यंत खराब होगी, आज वे गांव पूरी तरह, गांव के लोगों की जागरूकता, निगरानी समितियों की सक्रियता, आरआरटी टीम के द्वारा समय पर टेस्ट करने का परिणाम है, वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अभियान उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कोरोना के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को विजयी बनाने की हर व्यक्ति के मन में एक संकल्प दिखाई देता है। और उस संकल्प के साथ ही मैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर आया हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ की प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल कॉलेज, हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, कोरोना कर्फ्यू लगाया। सामान्य गतिविधियां चल रही हैं, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें हमारी चल रही हैं, सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को हम निरंतर चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कार्य अगर इससे प्रभावित हुए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को मई और जून में 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून जुलाई अगस्त में उत्तर प्रदेश के हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जो भी जरूरतमंद हो उसको निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। हर जनपद में कम्युनिटी किचन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। जरूरतमंद मरीज के भोजन, उनको भोजन मिल सके, कहीं उनको भटकना ना पड़े, इसके लिए ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे उनकी आजीविका चलती थी, उनको पोषण भत्ता देने की कार्रवाई।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड में मौजूद हैं, जहां पर बांदा में इस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे थे और पूरी जानकारी दे रहे थे। प्रदेश में संक्रमण की दर काफ़ी कम हुई है और लॉकडाउन नहीं लगा है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं और जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं उनके लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है।